इंडिया 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 इंडिया। जहां जाए जैसे जाए जहां आवश्यकता पड़े, यूथ कांग्रेस का वो साथी जिसने राजनीतिक बदलाव में देश की आजादी से पहले भी और देश की आजादी के बाद भी हमेशा अपना स्वर्णिम अक्षर उसे नाम लिखा है, ये जिम्मेवारी अब आप पे है। साथियों, मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसा आप अभी राहुल जी भाषण कर रहे थे, तो आप बार बार एक पीएम उनको स्वाभाविक रूप से देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने? जरा हाथ ऊंचा करके बताओ, आप चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री राहुल जी बने? तो उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने ये कहा है कि आपको प्रेम की और प्यार की और मोहब्बत की जहां आवश्यकता पड़े अपनी जान लड़ा कर भी उसको लड़ना है। साथियों, मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरीके से देश में आज घृणा का, जिस तरीके से देश में आज नफरत का वातावरण है, उसको जीतने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। देश भर में, दुनिया भर में इस भावना को कि भारत की क्या प्राचीन सभ्यता है, क्या प्राचीन परंपरा है, उसको जीना पड़ेगा। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता था कि एक ऐसा नेता जो नए भारत की परिकल्पना के साथ लोगों ने जिसको चुना, उस नए नेता के नए भारत में एक आदिवासी पे दूसरा व्यक्ति पिशाब करने लगा है। एक नए भारत की परिकल्पना के साथ जिस नेता को देश ने चुना था, उसमें महिलाओं को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जाता है और प्रधानमंत्री के पद से, उस नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जो नया भारत प्रधानमंत्री ने देश के सामने एक विजन दिया था जिसकी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की होनी थी, वो आज 155 लाख करोड़ के सबसे ज्यादा कर्जे में है। साथियों, ये भावना आप सबको, हम सबको समझनी पड़ेगी कि नए भारत की जिसने परिकल्पना बनाई थी, उसमें दलितों के साथ अत्याचार और अनाचार होने लगा। ये कौन भारतीय जनता पार्टी की विचार है जो दलितों को देश की आजादी से पहले विलियन के रूप में उनके साथ भेदभाव करती थी, वो आज माइनॉरिटी के साथ भेदभाव करती है? इस बात को, इस भाव को हम सबको जीना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और हम सबको एकाग्र होकर देश की आजादी में जैसे हमारे महापुरुषों ने अपना योगदान दिया, वैसा योगदान आप सबको देश में राजनीतिक बदलाव के लिए लाना पड़ेगा। मैं एक बार फिर सबको साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आप सबको स्वागत करता हूँ। और इस बेंगलोर की धरती पर, कर्नाटक की धरती पर जो विचार देश के सामने गया है, उस विचार को हम सब जीकर आगे बढ़े। इसी भाव के साथ सबको साधुवाद, धन्यवाद। भारत माता की जय। आप सबका स्वागत।